मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस की बात करें तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस में हमको यह पढ़ना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसको विकसित करने के लिए प्रकार क्या क्या है, एरोबिक प्रक्रिया क्या है, एरोबिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तथा इसका फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के क्या है, थ्योरी क्या है, क्या है इसके सिद्धांत क्या है, इन सारी चीजों के विषय में हमें इसमें चर्चा करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट का, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट वो आपके पांच होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, वह होते हैं आपके स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद में आपका होता है स्पीड एंड एजिलिटी या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ये आपके पांच प्रकार के क्या होते हैं, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं। अब इनको, ये इनके भी प्रकार होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से, जैसे मान लो मैं बात करूं आपसे स्ट्रेंथ के, तो स्ट्रेंथ के कितने प्रकार, स्ट्रेंथ के दो प्रकार, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक कौन सा होता है, ऐसा जिसमें क्या होता है, जिसमें ऐसी शक्ति जो क्या होती है स्थिर अवस्था में या स्थिर कार्य को करने में प्रयोग किया जाता है, तथा स्थिर को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थिर स्ट्रेंथ को क्या कहा जाता है, तो याद रखना आइसोमेट्रिक कहा जाता है। अगर मैं डायनेमिक की बात करूं तो डायनेमिक मतलब गतिज, जो गतिज शक्ति होती है वह, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। और इसी आइसोटोनिक के भी दो प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया कि वह कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वह प्रकार होते हैं इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो स्ट्रेंथ है, इसी स्ट्रेंथ का ये जो डायनेमिक है, इस डायनेमिक के कितने रूप हैं, तो इसके भी तीन प्रकार हैं। कौन कौन सा है, तो एक होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक होता है एंडोरेंस स्ट्रेंथ। तो आपका क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एक मांसपेशी द्वारा, किसी एक मांसपेशी के द्वारा किसी अवरोध के प्रति, किसी रेजिस्टेंस के प्रति, ड्यू टू रेजिस्टेंस बल लगाने की, या हम ये कह सकते हैं शक्ति जो हम यूज करते हैं किसी सिर्फ एक ही मांसपेशी के द्वारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपका विस्फोटक शक्ति क्या होती है, तो विस्फोटक शक्ति हम किसे कहेंगे, विस्फोटक शक्ति की अगर मैं आपसे बात करूं, तो विस्फोटक शक्ति कहने का मतलब यह है कि अचानक से किसी भी चीज पर बल लगाना, या हम यह कह सकते हैं गति प्लस स्पीड, क्या गति प्लस साथ ही चाह स्ट्रेंथ, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, एस एस बराबर क्या होता है, SS बराबर होता है आपका विस्फोटक शक्ति, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, ये विस्फोटक शक्ति विकसित किससे किससे आप करेंगे, तो जैसे सर्जिकल जंप है आपका, वर्टिकल जंप है, ये सारी थ्रो, बॉल थ्रो है, ये सब चीजों से आप क्या करते हो, इसमें क्या होता है, इसमें गति भी होती है, और गति के साथ साथ आप क्या करते हो, आप शक्ति भी लगाते हो। अचानक से किसी भी प्रतिरोध के प्रति अचानक से लगाया गया बल या शक्ति,
उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्फोटक शक्ति कहते हैं। उसके बाद में आता है कि स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या होता है? अगर स्ट्रेंथ एंडोरेंस की मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहने का मतलब वह होता है जिसमें क्या करते हो आप, जिसके अंदर थकान की स्थिति में भी आप शक्ति लगाते हो। जब आप कोई कार्य करते करते थक जाते हो, उसके बावजूद भी जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज पे बल लगाते हो, किसी भी प्रतिरोध के विपरीत क्या करते हो, एक बल आरोपित करते हो, एक शक्ति आरोपित करते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही एंडोरेंस कहते हैं, स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहते हैं। ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? किसी भी ज्वाइंट को अधिक से अधिक विस्तारित करने की जो प्रक्रिया होती है, अधिक से अधिक दूर तक ले जाने की प्रक्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी भी दो प्रकार की, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह होता है जब हम कोई भी कार्य या कोई भी एक्सरसाइज किसकी लचीलेपन की या फ्लेक्सिबिलिटी की बिना किसी बाहरी मदद के करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसे ही स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड इसी में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी व्यायाम करेंगे वह बिना किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता से हम करते हैं। तथा पैसिव की बात करें तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम क्या करते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति या किसी बाहरी वस्तु की सहायता से हम कोई भी व्यायाम करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद में आता है आपका क्या, स्पीड। अगर मैं इसके बाद में एंडोरेंस की बात करूं तो एंडोरेंस क्या है, थकान की स्थिति में किया गया कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही एंडोरेंस कहते हैं, उसे ही सहनशीलता कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे स्पीड क्या है, तो स्पीड कहने का मतलब यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति जो होती है या जाने की जो डिस्टेंस होता है, या प्रति सेकंड तय की गई दूरी, प्रति सेकंड, एक सेकंड में आप जितनी दूरी तय कर रहे हो या एक घंटे में जितनी दूरी तय कर रहे हो, पर सेकंड, पर आवर, पर मिनट तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, आपको स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड पे, स्पीड क्या होता है, स्पीड कहा जाता है यह एक जेनेटिक होता है। जैसे उसेन बोल्ट की बात करें तो यह कहा जाता है उसेन बोल्ट के अंदर स्पीड के लिए क्या है, यह पहले से ही जन्मजात होता है स्पीड की। साथ ही साथ अब जो ये स्पीड होती है, यह स्पीड पर ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि यह जो होती है यह बताया ना आनुवांशिक होती है। उसके बाद आता है आपका क्या, आपका आता है एजिलिटी या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी मतलब चपलता। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना तथा तत्काल या जितनी जल्दी आप दिशा परिवर्तित करके उस स्थान पे आ जाए, या प्रति सेकंड दिशा परिवर्तित करने की जो दर होती है उसे ही एजिलिटी कहते हैं। आप कहीं जा रहे हो, आप आगे दौड़ रहे हैं, अचानक से घूम गए, मतलब एजिलिटी है ये आपकी, चपलता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन के कई प्रकार हैं आपके। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, रिदमिक कोऑर्डिनेशन होता है आपका। अगर मैं और बात करूं आपसे तो कोऑर्डिनेशन में, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच, दो अंगों के बीच क्या करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना, दो वर्ग के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना। एक साथ दो काम आप कर रहे हो, उनके बीच में क्या कर रहे हो, आप एक समन्वय बना रहे हो, एक सामंजस्य स्थापित कर रहे हो।
तो इसे हम कहते हैं। उसके बाद अगर एरोबिक की मैं बात करूं, एरोबिक एंड एनोरोबिक दो प्रकार के व्यायाम होते हैं। एरोबिक व्यायाम क्या होते हैं, तो एरोबिक व्यायाम की अगर मैं बात करूं तो एरोबिक व्यायाम मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया व्यायाम होता है उसे एरोबिक व्यायाम करते हैं, तथा एनोरोबिक व्यायाम वह व्यायाम होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कैसे होती है, इन सब चीज के लिए विस्तृत से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से टीचर्स अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, तथा आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इन नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।